मोकामा में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है शबे बारात का पर्व। आज मुस्लिम समुदाय के लोगों ने सुबह से ही शबे बारात की तैयारियां शुरू कर दी थी। नमस्कार, मोकामा ऑनलाइन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त वासुकीनाथ। मुस्लिम कैलेंडर के मुताबिक सावन माह की 14 तारीख को शबे बारात का त्यौहार मनाया जाता है तथा इबादत, तिलावत और सखावत का त्यौहार होने पर मस्जिदों, घरों में खास सजावट की जाती है। इस अवसर पर मोकामा के रामचरण टोला वार्ड नंबर 14 के गंदी मस्जिद कब्रिस्तान, फारसी मोहल्ला वार्ड नंबर 6 के मस्जिद में लोग इबादत कर रहे हैं। मोकामा के ज़्यादातर मुस्लिम समुदाय के घरों में मूंग दाल, सूजी, मावे आदि का हलवा बनाया जा रहा है। हलवा तैयार करने में परिवार के लोग सामूहिक रूप से काम में जुटे हुए हैं। शबे बारात पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने सोमवार पूरी रात मस्जिदों व घरों में इबादत कर गुजारी। मंगलवार को कब्रिस्तान जाकर अपने प्रियजनों व बुजुर्गों की कब्र पर साफ सफाई कर कुरान की तिलावत, दुरूद, सूरे यासीन, फतेहा आदि पढ़कर उनके मगफिरत की दुआएं की। सुबह फज्र की नमाज के बाद खुदा की वारगाह में तौबा कर विशेष रूप से सामूहिक दुआ की गई। शबे बारात पर शहर के कई स्थानों पर जलसों का भी आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान मस्जिद पर रंग बिरंगी लाइटों से सजावट की गई है। पुलिस प्रशासन भी हिंदू और मुस्लिम समुदाय के त्यौहार के साथ साथ होने की वजह से पूरी मुस्तैदी से तैनात है। मजिस्ट्रेट मुकेश कुमार के नेतृत्व में मोकामा थाना की पुलिस संवेदनशील जगहों पर लगातार गश्त कर रही है। थानाध्यक्ष रामप्रीत कुमार की टीम जगह जगह पुलिस दलों को नियुक्त कर रही है। शहर के सभी चौक चौराहे पर जबरदस्त चेकिंग चल रही है। Mm-hmm.